हेलो जी, नमस्ते। छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज़ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय चौहान, आपके लिए एक और नई अपडेट लेकर के आ गए हैं। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के तरफ से भृत्य प्रयोगशाला परिचारक, विसरा कटर और वाहन चालक के पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, उस भर्ती के लिए जो है परीक्षा शेड्यूल विभाग के तरफ से जारी कर दिया गया है। परीक्षा के जो शेड्यूल है 24 तारीख 5वें महीने 2024 को जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो है जानेंगे कि भृत्य प्रयोगशाला परिचारक, विसरा कटर और वाहन चालक के जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, कौन सी तिथि में आयोजित की जाएगी, इसके लिए समय क्या निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जानेंगे ऐसे कौन से संभाग है जहां पर अल्पसंख्यक में आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिस कारण से जो है अभ्यर्थियों का जो परीक्षा केंद्र है वो जो है बदल दिया गया है। तो ऐसे कौन सा संभाग है जिसके लिए जो है परीक्षा केंद्र बदला गया है, वो जानकारी जो है आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे संभाग है जहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर बहुत कम मात्रा में आवेदन जो है इस भर्ती के लिए प्राप्त किए गए हैं, जिस कारण से विभाग के तरफ से उनके परीक्षा केंद्र को जो है बदल दिया गया है। राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के तरफ से 24 तारीख 5वें महीने 2024 को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का जो है प्रकाशन किया गया है। बताया गया है कि इस कार्यक्रम के भर्ती विज्ञान क्रमांक, यानी कि ये जो भर्ती निकाली गई थी उसके क्रमांक के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है। और भर्ती जो है 6 तारीख 10वें महीने 2023 को यहाँ पर निकाला गया था, जिसमें राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के तरफ से जो है वाहन चालक के पदों पर भर्ती, भृत्य के पदों पर भर्ती, प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर जो है भर्ती और विसरा कटर के पदों पर जो है भर्ती निकाली गई थी। तो चार अलग अलग कैटेगरी में टोटल जो यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी 17 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा इन 17 पदों में किसी भी पद के लिए जो है यानी कि आवेदन किया गया है, चार अलग अलग कैटेगरी में 17 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी उसके लिए जो आवेदन किया गया है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर परीक्षा शेड्यूल जो है यहाँ पर जारी किया गया है। परीक्षा का जो शेड्यूल है 2 दिवस के अंतर्गत होगा। 7 तारीख 6वें महीने 2024 और 8 तारीख 6वें महीने 2024 को जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है वो है भृत्य का, और भृत्य की जो परीक्षा है 7 तारीख 6वें महीने 2024 को 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में जो है यहाँ पर की जाएगी। तो ये जो टाइमिंग बताया गया है, सुबह का टाइमिंग है 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में जो है यहाँ पर भृत्य की परीक्षा जो है आयोजित यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर का जो पद निकाला गया है प्रयोगशाला परिचारक का, इसका भी जो परीक्षा है 7 तारीख 6वें महीने 2024 को 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में जो है यहाँ पर किया जाएगा। बता दें ये जो प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती निकाली गई है राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के तरफ से जो है यहाँ पर निकाली गई है। प्रयोगशाला परिचारक की जो भर्ती है वो शिक्षा विभाग के तरफ से भी जो है निकाली गई है। तो उसकी परीक्षा कब होगी, कौन से डेट में हो सकती है, उसके लिए जो है अभी विभाग के तरफ से किसी भी तरह की जानकारी जो है यहाँ पर नहीं डाली गई है। जैसे ही विभाग की तरफ से जानकारी अपडेट की जाएगी उसकी भी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर का जो पद निकाला गया है विसरा कटर का, उसमें भी जो परीक्षा की तिथि है 7 तारीख 6वें महीने 2024 की रखी गई है, और इसका जो टाइमिंग होगा 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, यानी कि दोपहर के समय में इसका परीक्षा जो है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो भृत्य के पद, प्रयोगशाला परिचारक के पद और विसरा कटर के जो पद हैं ये तीनों एक ही तारीखों में किए जाएंगे। बस इनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग रखा गया है, 7 बजे से यहाँ पर 3 बजे के बीच में जो है तीनों की परीक्षा जो है आयोजित यहाँ पर की जाएंगी। उसके बाद चौथे नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है वाहन चालक का, और वाहन चालक का जो पद है उसमें जो भर्ती की परीक्षा जो होगी 8 तारीख 6वें महीने 2024 को होगा, और इसकी जो टाइमिंग रखी गई है 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो है यहाँ पर रखी गई है। चार अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल 17 पदों पर राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के तरफ से भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी। इस भर्ती की एक विशेष जो बात है यहाँ पर जारी किया गया है, टिप नंबर 2 में जो है यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हमने वीडियो स्टार्ट करते समय आपको बताया गया था कि एक ऐसी संभाग है जहाँ पर अल्पसंख्यक में आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस कारण से विभाग के तरफ से उनके जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें बदलाव किया गया है, उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत जगदलपुर जिन अभ्यर्थियों के द्वारा जो है परीक्षा केंद्र चुना गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जगदलपुर बस्तर संभाग में अल्पसंख्यक में आवेदन प्राप्त होने के कारण बस्तर संभाग के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा केंद्र रायपुर निर्धारित किया गया है।
यानी कि बस्तर संभाग के अभ्यर्थी जिनके द्वारा इनमें से किसी भी पद के लिए जब आवेदन किया गया था तो आवेदन करते समय उनके द्वारा जगदलपुर परीक्षा केंद्र चुना गया था, लेकिन विभाग के तरफ से जो है यहाँ पर देखा गया है कि बस्तर संभाग में ये जो चार अलग अलग तरह के पद निकाले गए हैं, भृत्य के, प्रयोगशाला परिचारक के, विसरा कटर के और वाहन चालक के, तो इन पदों की भर्ती के लिए अल्प संख्या में यानी कि बहुत कम मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से बस्तर संभाग के अंतर्गत जगदलपुर के लिए जो परीक्षा केंद्र चुने गए थे उनको बदल करके परीक्षा केंद्र रायपुर जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी जो बस्तर संभाग के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो है ये एक विशेष जानकारी है कि बस्तर संभाग के अंतर्गत जो परीक्षा केंद्र है जो कि जगदलपुर निर्धारित किया गया था, तो जो अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए जो है जब आवेदन किए थे और आवेदन करते समय उनका जो परीक्षा केंद्र है जगदलपुर चुना गया था, लेकिन अब विभाग के तरफ से जो है बस्तर संभाग के अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा केंद्र है वो जो है ऑटोमेटिकली स्वतः ही जो है रायपुर केंद्र जो है निर्धारित कर दिया गया है। तो बस्तर संभाग के अभ्यर्थी जो हैं अब जगदलपुर में जाकर के परीक्षा नहीं दिलाएंगे, उनका जो परीक्षा केंद्र होगा वो जो है रायपुर होगा। इस संबंध में जो है विभाग के तरफ से इस नोटिफिकेशन में जो है यहाँ पर बताया गया है, साथ ही साथ जो भी परीक्षा के शेड्यूल है उसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। ये जो PDF फाइल है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक और PDF फाइल के लिंक जो है यहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया है इसके लिए एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कैसे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में जो है मिलने वाली है। तो इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के प्रश्न हैं कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अन्य लोगों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।